What's up guys? Finally, Not Your Type चैनल की नई वीडियो आ चुकी है. टाइटल है इंडियन यूट्यूबर्स आर स्केरी. तो कौन फीचरिंग स्ले पॉइंट लिखा है तो स्केरी क्यों यूज कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा टाइटल पढ़ के. तो आई एम श्योर देखो वीडियो तो कॉमेडी होती है, इनकी एनिमेशन मस्त होती है. तो स्ले पॉइंट पे क्या पॉइंट मारे गए देखते हैं आज वीडियो में. चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 लेट्स गो. डिस्क्लेमर, इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है. तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए भाग जाए से. रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा. अच्छा, धन्यवाद. गाइस अभी ना पता है मैं क्या सोच रहा था कि मैंने ये गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ. तुम लोग को याद है हमने सौरभ जोशी को कैसे प्रैंक किया था? सौरभ भाई तो प्रैंक हो गए. ये वाली वीडियो बनाने में मुझे जितना मजा आया ना बता नहीं सकता, मतलब भाई साहब. इसलिए ना आज हम फिर से हमारे फेवरेट यूट्यूबर स्लैश गेमर से मिलने जाएंगे. तो अभी ना हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं डायनमो से. घाचो घाचो पट से. आपको पता क्या दादाजी डायनमो डायनमो के बारे में? घाचो घाचो पट से. मैं तो थोड़ा दूर हो जा मेरे से, छड़ी मार दूंगा वरना, है ना. दूर हो जा मेरे से प्लीज. तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में. सर 800 की स्पीड पे जा रहा था, धर लिया. क्यों रे, हवाई जहाज दू क्या चुस्की? सर मुझे प्लीज जाने दी. चुप रहे बिल्कुल. चल 5000 निकाल अब. ओ हेलो, डरा किसको रहा है, तेरे से डरने वरने वाला. गाइस पुलिस वालों से बड़े प्यार से बात कर ली थी मैंने. अरे वो जानते थे रे मैं मिथपैट हूँ, लेकिन अभी ना मैं डायनमो के आ चुका हूँ. 179 माले पे रहता है वो. तो चलो अभी उससे मिलते हैं. तो गाइस अभी ना मैं इस लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा. लिफ्ट में रस्सी. अरे भाई ऊपर कोई है क्या? तो मैं फाइनली डायनमो के पास आ गया हूँ. बूम बम. ए तुझे पता है मैंने तेरे गार्ड भैया के साथ नीचे थोड़ी सी मस्ती करी थी, बस उन्हें ज्यादा लगी ना हो. अबे बूम बम सोसाइटी. वो गार्ड है क्या हमारा? तो मैं ना अभी डायनमो का सेटअप देख रहा हूँ. पट से. बूम बम. ए डायनमो डायनमो तूने ये माउस बंदूक से कस्टमली कनेक्ट करवाया है क्या? बूम बम. अरे अरे किधर जा रहे डायनो? पट से. चल बाय. यार मुझे नहीं पता था ये लोग पबजी विबजी बैन होने के बाद ऐसे रियल लाइफ में चिकन डिनर कर रहे हैं. खैर अभी ना मैं जाने वाला हूँ मेरे फेवरेट टेक्नो गेमर्स के यहाँ. तुम लोग को याद होगा हमने इनके साथ भी एक स्नेक प्रैंक किया था. यो मिथपट भाई ये काटेगा तो नहीं? नको रे, इंसानों के साथ स्वीट है अपना सापू. मिथपट भाई शायद ये मुझे मुंह में ले रहा है. मिथपट भाई यही हो ना? मिथपट भाई. यार वो वाला प्रैंक तो काफी फन और सेफ था. तो चलो अभी मिलने चलते हैं. Yo, what's up guys? Welcome back in another GTA video game. मिथपैट. अरे मिलने आए तेरे से. अच्छा रुक एक सेकंड. यो कैसा है? तूने ये सब भी सीख लिया? मुझे तो लगा बस दिन भर GTA ही खेलता रहता होगा. यो कुछ पिएगा? हाँ हाँ रुक एक सेकंड. यार ये क्या था? ये जो तूने अभी हरकत करी ये देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. टेक्नो भाई ये बाहर आओ ना. टेक्नो भाई ये यो, ये बच्चा मुझे सुबह से परेशान कर रहा है. यो लगी नहीं. यो ये बच्चा लगी नहीं. यो अब बोलते बता साले. बहुत जबान की ना तेरे साले, जब बोल के बता. टेक्नो भाई तो अपनी GTA जिंदगी में मुझे भूल ही गए. मैं तो उनके साथ मेंढक प्रैंक करने आया था. मेंढक भी लाया उनके पास. टेक्नो भाई के मुंह में. टेक्नो भाई मेंढक के मुंह में. टू मच. लगता है मुझे अब स्ले पॉइंट किया जाना चाहिए. ए, ए, प्यारे मेरे राज दुलारे, इधर आ. मुझे पता है तुम जैसे लोग चिमटी काट के भाग जाते हो. दूर से ही बोलो जो भी है. अरे आ तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के बारे में पता है? स्ले पॉइंट घर पहुंच गए. ये हुई ना बात. क्या तुम घर पे हो? हाँ बोलो मिथपैट, अपन साथ में वीडियोस बनाए प्लेस. मुझे एक मिनट दो मिथपैट. हाँ तो घर पे यार, उनसे हर महीने आ जाता है ये. अभी उदय जरा इधर आना. तो अभी उदय इधर आओ.
डरा हुआ वॉशरूम से आ गया क्या? आरसीबी की टी-शर्ट। क्या हुआ? बाहर मितपैट आया है। मैंने नहीं बुलाया उसे, कसम से। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अभी उदय, कि तुम अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकते। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही थी कि अभी मितपैट के साथ हमें एक बोनस वीडियो शूट करने चलना है। अभी अभी तो हमने चार वीडियो शूट करी है, अब एक और। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुमने मेरे सामने मुँह कैसे खोला अभी उदय? तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई कुछ बोले। और ये कैसे इंसान हो तुम, थकते नहीं हो क्या अपनी टीम को बार बार हारते देख? तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैच? काम ज्यादा जरूरी है ना अभी उदय? यस यस, गुड बॉय। वेरी गुड वेरी गुड। अब से जितना मैं बोलू उतना ही करना, वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। तुम दोनों मेरे बिना ही मचा रहे हो क्या? अंदर चिल्लाने की आवाज आई अभी अंदर से। अरे नहीं नहीं, हम आ रहे हैं मितपैट, ये अभी उदय भी ना बहुत मस्ती खो रहे हैं। मैं आई अभी। फिर तुम क्यों नहीं समझते हो अभी उदय, इस दुनिया में बहुत सारा क्रिंज है। यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और न जाने कौन कौन से मौज मस्ती एप्स। ये सारे क्रिंज पे वीडियोस बनाने में पता है हमें कितना टाइम लगेगा? 250 साल। और मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में 100 साल भी जी पाओगे। देखो अभी उदय, YouTube इंडिया में पहले ही बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं। लोगों को हमारी जरूरत है, है ना अभी उदय? म्याओ 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 म्याओ। यार चलो अभी उदय, फटाफट कुछ भी पहन लो, हमें बाहर चलना है। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें मम्मी पोको पैंट्स नहीं मिलेगा, हगीज पहनना पड़ेगा, रैशेस हो जाते हैं ना। चलो मितपैट कहाँ चलना है? कितनी स्वीट दिया एकदम से। चलो मितपैट कहाँ चलना है? बिग शॉट टू मिट के नाम स्लेप एंड स्केच। अच्छा मस्त था। एक तो जैसे हर एक जो भी यूट्यूबर दिखाए, क्रिएटर्स दिखाए, उनका जो एक फनी लुक बनाया था एनिमेशन करके, जब मितपैट का था, मितपैट की हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा और जैसे गाड़ी में बैठे तो दिखा रहे फेस वगैरह कुछ उसी फेस स्ट्रक्चर जो वो थोड़ा वैसे ही दिखा रखा था। 800 की स्पीड से जा रहा था, डर लिया। मैंने स्वीटली बात करने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने, तो ले गया एक वो गार्ड ठोक दिया उसके बाहर का डायनमो के बाहर का, और वो जैसे डायनमो कहते पट्ट से हेडशॉट, तो वो डायलॉग लगाए हुए वो फनी लग रहा था। वो गेमिंग सेटअप में वो बंदूक लगा रखी थी वहां पर गेम के, और विंडो माउस से हो क्या कह रहा है, रियल लाइफ में खेल रहे हैं जब से वो बैन हुआ। लेकिन मस्त थी, कॉमेडी पूरी थी वीडियो के अंदर, एनिमेशन स्टाइल बढ़िया था, और जिस तरीके से स्ले पॉइंट वाला बहुत खतरनाक बनाया हुआ अभी ये देखो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अभी देखो उस तरीके से रखा हुआ है, डॉग फूड दे जा रहे हैं उस तरीके से, तुझे बात माननी है मेरी है, बहुत सारा क्रिंज है, जैसे सारी एप्लीकेशन के नाम ले दिए उस तरीके से। बड़े थी नॉट डाइव वीडियो देखने में आता, स्पेशली मेरे को इन कैरेक्टर्स की जो एक आवाज आती है ऐसे वाली, और साथ में जो एनिमेशन स्टाइल रहता है इनका, मस्त थी। एंड आई एम श्योर आप लोग ने मजा किया होगा इस वीडियो के अंदर, मस्ती भरी थी। तो आप और वीडियो सेस कर सकते हो, इसमें हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।